हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान प्रदीप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो मैं जॉब का अपडेट लेकर आया हूँ, ये गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है दोस्तों। तो इस वीडियो पे हम लोग डिटेल बात करेंगे। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी वैकेंसी निकल के आई है ITI वाले कैंडिडेट और उससे अपर वाले जो क्वालिफिकेशन है वो सब कैंडिडेट के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो रिक्वायरमेंट निकल के आई है कौन सी है। दोस्तों, आप लोगों को स्क्रीन पे जैसे दिखाई देता होगा, मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट पहले से निकाल के रखा हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप ना करें। स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ कि आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे जाना है और डाउनलोड करके इसका नोटिफिकेशन को निकाल के डिटेल जानना है। यहाँ पे जैसे मैंने ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है, ये देखिए HIL इंडिया लिमिटेड का तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकल के आई है। तो आप लोग उसका शॉर्ट नेम लिखिए, HIL ही लिखिए और इंटर कर दीजिए गूगल पे। पहला वाला लिंक आ जाता है, देखिए www.hil.gov.in, ये इसका ऑफिशियली लिंक है। इस पर क्लिक करेंगे तो होम पेज पे चले जाएंगे। यहीं से हम लोगों को डाउनलोड करना है उसका PDF को, जो मैं पहले से डाउनलोड करके निकाल लिया हूँ। मैं सीधे चलता हूँ PDF पे और यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोगों को कि इसका डिटेल क्या है। यहाँ पे उसका लिंक भी देख सकते हैं, www.hil.gov.in में करियर में नोटिफिकेशन में जाने से आप लोगों को ये PDF मिल जाएगी। यहाँ पे दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बाद ये एड्रेस वगैरह मेंशन किया गया है, वेबसाइट मेंशन किया गया है, इसका मेल ID भी दिया गया है। इसमें जो टेबल बन के आया है, इस टेबल में क्या क्या दिया गया है देखिए, इसमें ऊपर में एक मैसेज जो दिया गया है किया है, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर 2 ईयर इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन एंड ट्रेन, 2 ईयर्स के लिए जो दिया गया है क्या होनी चाहिए, डिसिप्लिन या ट्रेड जो दिया गया है, केमिकल ऑपरेशन के लिए प्रोडक्शन प्लांट, ये इसका ट्रेड या डिसिप्लिन दिया गया है, जिसमें से 5 पोस्ट है इसमें ITI वाले कैंडिडेट के लिए। एनालिस्ट के लिए 5 दिया गया है, BSc केमिस्ट्री इसमें मांगा गया है, उसके बाद केमिस्ट्री वाले के लिए 2 दिया गया है, BE मैकेनिकल, उसके बाद 1 दिया गया है BE केमिकल, 1 दिया गया है BE कंप्यूटर साइंस या IT के लिए। फाइनेंस के लिए 2 पोस्ट निकल के आया है, जिसमें से MBA के लिए दिया गया है देखिए, और या CA ICWA होनी चाहिए। उसके बाद 5वां नंबर जो दिया गया है देखिए, कमर्शियल स्टोर के लिए 3 दिया गया है, जिसमें से हम लोगों को MBA होना चाहिए बोल के मेंशन है। HR पोस्ट के लिए 3 है, जिसमें MBA HR होनी चाहिए। उसके बाद फिटर में ITI में फिटर ट्रेड वाले होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेशन में आप लोगों का ग्रेजुएट विथ सर्टिफिकेट कोर्स इन MX ऑफिस टेली, ये सब जानना जरूरी है। जिसमें से स्पेंड आप लोगों का पे स्केल क्या रहेगा, फर्स्ट ईयर 15,000 रहेगा BE MBA CA और ICWA के लिए। उसके बाद सेकेंड ईयर उसी सबको 18,000 है। उसके बाद ग्रेजुएट में जो आएंगे, ग्रेजुएट और ITI वाले के लिए 10,000 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 10,000 मेंशन की गई है। उसके बाद इम्पोर्टेंट जो और क्या है, अप्लाई किस तरह से करना है, अप्लाई आप लोगों को ये डाउनलोड करना पड़ेगा, जो मैं नीचे में आप लोगों को दिखा दूंगा एप्लीकेशन फॉर्म। ये 15/4/2019 तक इस एड्रेस में आप लोगों का सारा अटैच करके एप्लीकेशन फॉर्म और डिटेल वगैरह, आपका सर्टिफिकेट वगैरह सब भेजना पड़ेगा इस एड्रेस में, जो डेट भी मैंने बता दिया 15/4/2019 दिया गया है। ये इसका फॉर्म है, देख सकते हैं, इस फॉर्म को आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करके अच्छे से फिल करके सारा अटैच करके आप लोगों को भेजना पड़ेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फी वगैरह कुछ नहीं मेंशन किया गया, बस स्पीड पोस्ट का जो आप लोगों का चार्ज लगेगा वही ये चार्ज रहेगा। तो ये महाराष्ट्र का इसका एड्रेस भी मेंशन किया गया है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो फिर मेरा वीडियो को अगर स्किप नहीं किए हैं अच्छे से देख रहे हैं तो मैं जैसे जैसे बताया हूँ वैसे देखते जाइए, आप लोगों का हो जाएगा ये चीज़ डाउनलोड हो जाएगा। बेटर होगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से डायरेक्ट क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के इसको अटैच कर दीजिए जो भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट है, और इस एड्रेस पे भेज दीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें और साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा लें, जिससे आने वाले सारे वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। थैंक यू दोस्तों।